आप लोगों का अगर गेस्ट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना जो पार्सल में क्या है एंड अगला प्रैंक क्या चीज़ होने वाला है एंड मैं भी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल एंड आपका भाई गाइस फिर से आ गया है नया ब्लॉग एंड नया दोस्त के साथ। काफी दिन से ब्लॉग में आ नहीं रहता है, कल का ब्लॉग में आप लोग को बताया जो क्यों नहीं मैं रोज ब्लॉगिंग कर पा रहा था, फिर कोई नहीं आज से मैं रोज ब्लॉगिंग का मतलब सब चालू कर दूंगा एंड प्रैंक वगैरह भी धीरे धीरे चालू हो जाएगा, फिर भी कोई नहीं सब्र करो। मतलब आज मतलब अलग सा ही मन लग रहा है, जो आज मतलब सोच रहा हूँ मूड फ्रेश ऐसा लग रहा है, सोचता हूँ आज से ब्लॉगिंग चालू कर दूँ। खैर कोई नहीं गाइज, आप लोग चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज सुबह ब्लॉग्स 46 जाकर फॉलो कर लो भाई को एंड सपोर्ट प्यार दो गाइज, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब अकेला सा लग रहा है इसके ब्लॉगिंग बंद कर दिया था मैं, फिर लेकिन सोचा भी ब्लॉगिंग बंद करने से कुछ फ़ायदा है एंड 1K सब्सक्राइबर होने वाला है यूट्यूब पे, 1K फैमिली होने वाला, तो फिर से मतलब अच्छे से मूड फिर से मतलब चालू कर ही देते हैं। प्रैंक हो गया मतलब सब अभी धीरे धीरे चालू हो ही जाएगा। कोई नहीं, अभी तो मैं फिलहाल ऑफिस में हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मेरा बाइक का पीछे का टायर पंचर हो गया है तो पंचर मैं अभी आज खुद बनाने वाला, क्योंकि पंचर का जो किट होता है वो सब ऑनलाइन मंगा लिया था, तो भाई मैं तो भैया मंगाए थे तो मैं जा रहा हूँ खुद से आज पंचर बनाने, देखते हैं कैसा बनता है। बाहर जाने से तक पंचर किट घर पे था ही तो सोचा घर पे बनाए, मतलब घर पे नहीं ऑफिस नीचे बाइक के ऑफिस के पार्किंग एरिया में, तो सोचा खुद ही। इस हवा भरने वाला हाँ, और इसके अंदर है पंचर का सेट जो कमद भैया मंगाए थे, ये देखो क्या बात है, सबका सब पूरा सेटअप है ही। इतना गुस्सा मेरे बाइक पीछे के टायर में, एक ये हो गया और एक और है, कहाँ गया एक ये देखो, दो है, सब सेटअप तो आ गया, देखो बनेगा भी फट से। हाँ इसका ही सेटअप है ना पूरा, देखो आज बन जाएगा पंचर, बाहर जाने का जरूरत ही नहीं, देखते हैं पंचरवा बनाते हैं। हाँ ये देखो यही है मेरा गाड़ी का पीछे का टायर का पंचर का, दो कोई नहीं एक पंचर, फाइनली पंचर मेरे गाड़ी का बन गया। भाई सेटअप लाए थे मतलब ऑनलाइन से मंगाए थे तो अब तक उनका टेस्ट भी नहीं हुआ था जो मतलब सेटअप का उसका कैसा पंचर बनाने वाला, तो फाइनली मेरा पीछे का टायर पंचर हो गया तो पंचर बन गया, बच गया 200 रुपया, नहीं तो बाहर जाओ तो 200 रुपया पंचर का लग जाता है। कोई नहीं ऐसे घर पे था तो सही हो गया। तो आज काम तो कंप्लीट हो गया मेरा ऑफिस का एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो मास्क लगाना सेफ्टी है, तो फिलहाल अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से भी अच्छे से ब्लॉगिंग कर नहीं रहा था, तो अब से तो रोज़ ब्लॉगिंग करूँगा। तो कोई नहीं काम हो गया अभी जाता हूँ घर, काफ़ी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, ज़्यादा काम भी उतना अभी रहता नहीं है फिलहाल, तो चलते हैं फटाफट घर। और बाइक पे तो शूट करूँगा नहीं क्योंकि मैं बाइक चलाऊँगा और कोई है नहीं पीछे बैठना शूट करने के लिए, तो फिर मैं जी हाँ अपने सोसाइटी में ना, अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले स्वाति का कॉल आया था एंड कॉल क्यों आया था मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि देखो कल रात को स्वाति मैम ने एक नया फ़ोन लिया है Vivo V23, सो उन्हीं का मतलब उसी में उसका यूट्यूब चैनल मतलब ओपन समथिंग नहीं हो रहा है कुछ, तो उसी का इशू के कारण मतलब वो अभी कॉल की थी सुबह, मतलब क्या वो आई डोंट नो, अभी जाता हूँ उसके घर पे मतलब उधर ही जाने का, अभी तो जस्ट मैं अभी देखूँ वो नीचे ही हेलमेट मेरे हाथ में ही है एंड ऊपर जाता थोड़ा फ्रेशर रहूँगा, फिर जाना है स्वाति के घर पर, देखते हैं उसका चैनल यूट्यूब क्यों नहीं चालू हो रहा है क्या पता। कोई नहीं जाते थोड़े टाइम में, पहले फटाक जाकर फ्रेश हो चुके, अभी अभी जस्ट आ ही रहा हूँ मैं पहुँच गया एंड देखो मैडम जी क्या कर रही है अपना नया फ़ोन में, देखो यही मैडम का नया फ़ोन है Vivo V23 जो कल रात को लिए एंड देख रही है अभी इंडिया नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी का ब्लॉग, मैं भी सुबह आज का ब्लॉग मैं सौरभ जोशी का देखा नहीं हूँ तो मैं थोड़े टाइम में देखूंगा, तो मैडम वो भी सौरभ जोशी का ब्लॉग ही देख रही है, मैडम का नया फ़ोन तो काफ़ी चमक रहा है एंड मैडम का यह ब्लॉगिंग सेटअप, तो मैडम के पास अभी फिलहाल के लिए माइक है नहीं, तो ये जो मोबाइल लेने का रीजन मैडम का रील्स हो गया या फिर यहाँ पे अभी नया ब्लॉग, तो अभी हम लोग भी साथ में भी ऑफिस चालू करने वाले हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा एंड मैं भी एंड अब जो सेटिंग करने के लिए आता तो वो तो पहले कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब चालू करने का है मैं, तो कोई नहीं फटाफट चालू करते हैं एंड सौरभ जोशी का ब्लॉग मैं भी थोड़ा टाइम अभी देखने वाला, क्योंकि आज का मैं सुबह टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए, तो कोई नहीं थोड़ा टाइम देख लेते हैं एंड मैडम अभी बना रही है चाय, तो जब तक चाय बनेगा मैडम बता तो मेरा जो फ़ोन का सेटिंग करना है वो भी हो जाएगा। फाइनली गाइस चाय तो पी लिया एंड मैडम का थोड़ा जो काम था मोबाइल का वो भी मैं कर ही दिया हूँ, थोड़ा बहुत और बाकी है तो अभी धीरे धीरे कर दूंगा एंड अभी मैडम का यूट्यूब मतलब ब्लॉगिंग पहले का जो चालू था वो भी मैडम अभी ब्लॉगिंग भी करने वाली, मैडम का नया फ़ोन जो आ गया है, सो खैर कोई नहीं अपना तो ब्लॉगिंग का सब चालू रहेगा ही
तो आप लोग सपोर्ट करते रहो। एंड अभी से मैं रोज ब्लॉगिंग करूँगा भाई, घर पे आ गया एंड भाग भाग के आया क्योंकि कुछ मैं पार्सल मंगाया था, वो पार्सल आ गया। एंड वो पार्सल क्या है वो तो अभी पहले पार्सल रिसीव कर लेता हूँ, उसका मैं बताता हूँ उसका क्या सरप्राइज है। एंड वो पार्सल क्या चीज़ के लिए क्या मत सब आपको बताओ फटाखे, लेकिन पहले पार्सल ले तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। पार्सल वाले भाई कब से वेट करे मेरा, तो फटाक से मैं पार्सल रिसीव करता हूँ, देन उसका आप लोग को बताता हूँ क्या है और उस पार्सल का मैं करने वाला हूँ क्या। तो फाइनली गाइस मैं पार्सल रिसीव करके आ गया अपने रूम के अंदर। एंड अभी जस्ट देखो डोर मेला खुला ही है एंड बाहर आया हूँ। गाइस ये पार्सल क्या है आप लोग को भी जानने को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा, तो ये पार्सल क्या मैं बताने वाला नहीं हूँ। मजाक कर रहा था क्यों नहीं, क्योंकि देखो गाइस ये जो पार्सल है मेरा ये मैं सिर्फ प्रैंक के लिए मंगाया हूँ। अभी जो अगला प्रैंक करने वाला हूँ यही पार्सल से होने वाला है। क्या पार्सल है गाइस वो तो आपको प्रैंक के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि अगर आप भी बता दिया तो जो मैं प्रैंक करने वाला हूँ वो फिर फ्लॉप हो जाएगा। इसकी वजह से पार्सल क्या है वो मैं भी आप लोग बताऊँगा नहीं, एंड जो प्रैंक होने वाला है यही पार्सल से होगा। सो आप लोग एक्साइटेड बहुत, आप लोग आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है जो प्रैंक करने के लिए अमेजोन से मैं पार्सल मंगाया हूँ। क्या प्रैंक होगा आप लोग सोचो, एंड आप लोगों को गेस्ट हो रहा होगा जो देखो इतना पतला सा पार्सल है, आप लोग अगर गेस्ट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना ये पार्सल में क्या है एंड अगला प्रैंक क्या चीज़ होने वाला है। एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ है सच में। तो ये प्रैंक देखो कब आता है, क्योंकि पार्सल तो आ गया है एंड ये प्रैंक में कब आएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। तो आप लोग रोज़ का व्लॉग देखते रहो कब प्रैंक आएगा वो तो पता ही चल जाएगा गाइस। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पार्सल फाइनली 2-3 दिन बाद ही आया है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस मेरे को प्रैंक करने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल अमेजोन से पार्सल मंगाया मैं प्रैंक करने के लिए, तो एक्साइटमेंट बहुत हो रहा है। खैर कोई नहीं, कब प्रैंक होगा आप तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। एंड मैं स्वाति के घर पे था एंड पार्सल जैसे पार्सल वाले कॉल आया तो मैं फटाक से उधर से भाग भाग के नहीं आया, बाइक चला के आया उधर से, जो पार्सल तो रिसीव करना ही पड़ेगा, कैंसिल हो गया तो फिर 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आया पार्सल रिसीव कर लिया। एंड तो फाइनली मैं पार्सल ओपन कर लिया एंड मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है प्रैंक करने के लिए, बहुत ही ऑब्वियसली मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है ना, जो मन तो करता है कल ही प्रैंक कर डालूँ बट कोई नहीं, सबर का फल मीठा होता है एंड सब मतलब अच्छे से पूरा इंतजाम करके अच्छे से प्रैंक करने वाला है, देखते किसके साथ प्रैंक करता है। ये मन तो कर आप लोगों को दिखा दूँ उसके पीछे का राज क्या है, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता, आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि कुछ तो सरप्राइज आप लोग के लिए रखना पड़ेगा ना, तो यही सरप्राइज आप लोग के लिए इसके डब्बे के पीछे क्या है रहस्य है। कोई नहीं, जल्दी से जल्दी मैं प्रैंक लाने की कोशिश करूँ, जल्दी से दिलाऊंगा, क्योंकि इतना मेहनत इतना ऑनलाइन पार्सल मंगाया सिर्फ एक प्रैंक के लिए। कोई नहीं, वेट करो आप लोग आज बहुत ही जल्दी आएगा एंड आप लोग को पता है जो इसके अंदर क्या है, कमेंट करके बताओ तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि अभी जो प्रैंक आने वाला है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक प्रैंक है, तो पहले से सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो कि जो ये वाला प्रैंक डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहले जाए, आप लोग फटाक से देख लो जो प्रैंक क्या है, बहुत ही कतई खतरनाक वाला प्रैंक होने वाला है सच में, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रैंक होने वाला है, कतई जहर से भी खतरनाक होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर ही देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सुबू ब्लॉग 46 नाम है, फॉलो फटाक से कर ही लो आगे गया, क्योंकि अभी से प्रैंक आते रहेगा, अच्छा खासा प्रैंक आते रहेगा। तो फिर मिलते हैं प्रैंक में मिलूंगा या फिर ब्लॉग में मिलूंगा पता नहीं, लेकिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस, सपोर्ट करते रहना।